बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म हसीना पारकर कुछ मुश्किलों में उलझती नजर आ रही है। कपड़ा बनाने की एक कंपनी ने श्रद्धा कपूर और उनकी आने वाली फिल्म हसीना पारकर के प्रोड्यूसर पर धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने और अपराध करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि एक समझौते के उल्लंघन के खिलाफ फिल्म के प्रमोशन गतिविधियों के दौरान फैशन लेबल AJTM का प्रचार न करने के लिए श्रद्धा कपूर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। दरअसल पूरा मामला ये है कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान श्रद्धा कपूर को एक समझौते के तहत पहने गए कपड़ों में फैशन लेबल लगाना था, जिससे उस ब्रांड का प्रमोशन हो सके, जबकि श्रद्धा कपूर ने ऐसा नहीं किया। कंपनी ने समझौते का उल्लंघन मानते हुए श्रद्धा और फिल्म के प्रोड्यूसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि श्रद्धा परिधान मुहैया करवाने वाली M&M डिजाइनर फर्म ने मुंबई की अदालत में निजी शिकायत दर्ज करवाई है। मामले पर सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। बात करें श्रद्धा की फिल्म हसीना पारकर की, तो ये फिल्म 22 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।